हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज है 15 मार्च और इस समय सवेरे के 5:30 बज रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ, उठ के बिस्तर बिस्तर झाड़ दिया है, झाड़ू लगा दिए, पोछा अभी नहीं लगाया है। अभी हम लोग टहलने जाएंगे तो मैंने सोचा पहले कमरे को सही कर दूँ, बेडशीट वगैरह बिछा दूँ झाड़ के। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है आजकल। खांसी जुकाम बुखार का बहुत सीज़न चल रहा है। तो इस समय सवेरे के बज रहे हैं ना, इस समय 6:45 होने वाले हैं। 5:30 बजे तो मैं उठी थी। और देखिए, मैं भी अब सलवार सूट निकाल ली हूँ अपना, थोड़ी देर के लिए पार्क में जाएंगे एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज का रूटीन दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, इस वीडियो के बाद डालूंगी, आप लोग देख लेना। और पार्क से आने के बाद देखिए, मैं किचन में घुस गई हूँ तो मैं फिर बनाने जा रही हूँ। देखिए, आजकल ये चीज़ें मिल रही हैं, हरी तो अच्छा है उतना ही। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए, चीले। चीले बनाएंगे बेसन के, आज दाल के नहीं बना रही हूँ, तो बेसन के चीले बना रही हूँ। आप लोग खाने हैं तो आ जाइए। खीरे भी ले लिए हैं, सवेरे सब्जी वाला आता है ना तो इकट्ठी सब्जी लाते हैं, तो उनसे सब्जी ले लो तो सही पड़ जाती है। तो वही लेके अब किचन में आ गई हूँ मैं। तो मैंने खिलाओ, पहले थोड़ा सा कुछ नाश्ता करते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। चीला बनाने के साथ साथ मैं बनाने जा रही हूँ ना मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मटर तो मैंने बॉईल कर ली और साथ में मैंने प्याज भी पीस लिए, तो प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लूँगी मैं, और साथ में सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। सब्ज़ी भी बनती रहेगी और चीला भी बन जाएगा, और साथ में बनाऊँगी बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी चाय। तो ये सब सामान तैयार है, पनीर भून लिया है मैंने और प्याज भी भून रही है, और साथ में चीले का सामान भी तैयार कर रही हूँ। तो उससे पहले मन्नू के पास जाऊँगी। मन्नू ना सो के उठ गया है, कमरे में आके बैठा है, इसकी तबीयत ख़राब है, देखते हैं क्या कर रहा है ये। मन्नू देख रहा है टीवी, वो टीवी चल रहा है, ये मन्नू बैठा है, इसको हो रहा है बुखार, तबीयत सही नहीं है, इसलिए ये आजकल ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, बस चुपचाप लेटा है। कल से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, घर में बहुत बुरा लग रहा है, इसके बिना लेटा रहता है। अब मैंने ज़बरदस्ती बिठाया है, खाना नहीं खा रहा है ना, तो फिर इसको पपीता काट के दिया, देखो खाता नहीं खाता है। और ये तैयार है देखिए, चीले के लिए पालक है और प्याज है। अलग अलग तरीके से बना लेते हैं ना चीला, कभी पालक प्याज का बना लो और इसमें अदरक लहसुन इसका पेस्ट भी डाल लो तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, उसमें दूसरे तरीके की स्मेल आने लगती है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ जाता है इसका। पुदीने के पत्ते भी डाल लो तो और अच्छा लगता है। और कभी कभी गाजर का और शिमला मिर्च का, आलू टमाटर, जितनी चीज़ें आप कट कर सकते हैं छोटा छोटा करके कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती। तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा पतला ही डाल रही हूँ ताकि ये देर तक बने और क्रंची हो जाए, करारा हो जाए, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट चीले हम लोगों को अच्छे नहीं लगते। तो ये जब बन के तैयार हो जाएगा, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया मेरा चीला, तो चलो ये बन के तैयार हो जाएगा, तब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि कैसा बना है। धूप पड़ती रहती है ना तो क्लियर दिखाई नहीं देता, ये इस तरह से बना है, धूप आ रही है तो इस पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे ना दोनों तरफ खिड़की है किचन में, तो धूप अच्छे से आ जाती है। बेचारा घर में ही लिया है साइकिल, इसको नहीं चलवाने ले जा रहे तो ये घर में ही चला रहा है, बताओ क्या करें। बच्चों को घुमाना चाहिए ना, मम्मी पापा का फर्ज है, ये पापा लेके नहीं जा रहे नीचे है भाई, गिरने की जब जगह नहीं होगी तभी तो साइकिल चलाएगा, अगर ऐसे चलाएगा तो साइकिल गिर जाएगी। क्यों मनु, कमरे के अंदर बेचारा साइकिल चला रहा है, और क्या करो मनु, साइकिल चला, मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी फिर। पकड़ के तो ऐसे चला लेगा, लेकिन ये अकेले में चलाने की है सड़क पे बाहर। तो आज के ब्लॉग में
बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और इसी तरह ब्लॉग देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं तो, और सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो, लाइक कीजिए उसको। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।